ये स्टैंडर्ड बना रहे हमारे ड्रियोग नहीं है, हम पुलिस वाले हमें दंड लेंगे। रखो बहन के डंडो, ये कौन सा तरीका, 1.5 लाख की 2 लाख का माल लगा रहे हैं। अब ये तो भैया गरीब आदमी तो अपनी माँ चुरा के अपनी सड़क पर पड़ा है। क्या बेचते? इसमें एक ड्रेस बेचते हैं कोकीन। तुम भी स्मैक लगा के आए हो क्या? स्मैक हाँ, मोदी मोदी भैया ने बुलवाई है स्मैक। हाँ भैया बताइए। मैं गोड़िया वक्त का रहने वाला हूँ, खैर अड्डे पे इंदिरा नगर है, हमारी स्वागत की जगह है। मैंने कभी भी देखा, पूरे दिन बैठा हूँ, भीख मांगी है, सुबह से अब खाना आया। अच्छा ये बताओ, 9 साल का कार्यकाल हो गया पीएम मोदी का, अगला पीएम किसको देखना चाहते हैं? तुम ही बन जाओ, तुम ही बन जाओ, हम बन जाएं। और क्या? उसके मारे इनकी फट रही है, अभी इज्जत में है। अच्छा क्या फट रही है? गांड फट रही है। अब क्या है? आपको खुद नहीं हो, बताओ आपका क्या नुकसान करा उन्होंने? चाचा बताओ है, क्या नुकसान किया भैया? पूछ रहे क्या नुकसान? ये बताओ पप्पू क्यों कहते हैं राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी जी असल में हर चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें पप्पू कहते हैं। सहनशीलता बहुत है। मोदी जी के कार्यकाल को 9 साल से ज्यादा का समय हो गया, यहाँ की जनता पीएम मोदी से कितनी खुश है और अगला पीएम आखिर किसको बनाना चाहती है? तो यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानेंगे कि अगला पीएम आखिर वो लोग किसको बनाना चाहते हैं। क्या पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल से खुश हैं? मैं तो खुश ना हूँ बिल्कुल। क्यों खुश नहीं है? मुझे कुछ नहीं मिला आज तक। क्यों नहीं लिया आपने? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, आपकी बात, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, फिर से आएंगे, फिर से जब अलीगढ़ में इतना काम करा दिया उन्होंने, सड़कें बना दी, सारे रोजी रोजगार बना दिए, गाड़ियों की लाइफ बढ़ गई है। आपको खुद नहीं हो, बताओ आपका क्या नुकसान करा उन्होंने? चाचा बताओ है, क्या नुकसान किया भैया? पूछ रहे क्या नुकसान? नुकसान जी नहीं किया मैंने, जो नहीं किया मैंने खुश, मैंने नुकसान जी क्यों किया? मोदी जी एक क्वार्टर बांटने रोज हवाएंगे। अच्छा आपके लिए? हाँ जी, हमको एक विश्वास। भैया भैया चाहते हैं कि एक क्वार्टर मोदी जी इनके लिए बांटे, क्या कहोगे? ये तो एक इंसान का अनुभव चीज है, इंसान जो करे। आपकी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी है। अगला पीएम किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश होए, अखिलेश। अखिलेश यादव तो पीएम के लिए लड़ी नहीं रहे। अच्छी आपको भैया हमें नहीं। क्या पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल से खुश नहीं हो? बिल्कुल नहीं। क्यों खुश नहीं हो? काम ही सही ना करते हैं वो। क्या काम सही नहीं किया आपका है? क्या काम सही नहीं किया उन्होंने बताइए? जो भी जो लड़ाई फड़ाई जो सब हो, लड़ाई झगड़ा तो आप करते हो, पीएम मोदी ने आपके लिए क्या नहीं किया, ये पूछ रहे हैं आपसे सवाल है। आप बैठे हुए होते तो क्या करते? क्या करते बताओ, जवाब दो। मोदी जी हम होते तो मतलब जनता को खुश करते है ना। जनता को खुश किए वो भी। अच्छा कैसे दुखी है आप हमारे कैमरे के सामने देख के बोलिए, कैसे दुखी है? कौन मोदी? मोदी कौन क्या नहीं करते भाई, इतना अच्छा काम हो रहा है। क्या काम अच्छा लगा है उनका? काम ये अच्छा लगा है, रोड वोडे सड़क सही बन रही है, हवा टर्री वाले बोले शब्द अच्छी हो रही है, खाली रोड अच्छे बन रहे हैं, खाली ये अच्छा लगा जी। बस भाई एक चीज और, मोदी से एक बात कहने जाएंगे, मोदी जी से एक ट्रियो के लिए स्टैंड और बनवा दे, बस स्टैंड के बढ़िया बस ये करवा दे। आप अलीगढ़ के लोगों की दिक्कत है, उन्होंने अपनी समस्या बताई है। चाचा कार्ड किसका है आपके गले में? भारतीय रेल का। क्या बात है, मतलब किसमें नौकरी करते हैं आप? रेलवे में है। चाचा रेलवे में है, क्या बात है। अच्छा चाचा किसको अगला पीएम देखना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी बनने चाहिए दोबारा। अच्छा क्यों बनने चाहिए? काम बढ़िया कर रहे हैं। क्या क्या काम अच्छा किया? सब काम बढ़िया किया उन्होंने, गरीबों को अनाज फ्री बांटा, सब्जी फ्री बांटा, किसानों को 2,000 रुपए दिए, क्या बुरा किया उन्होंने? अच्छा जो युवा घूम रहे हैं रोजगार के लिए, ये तो कहते हैं हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। जब करेंगे जब तो रोजगार मिलेगा, करेंगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा? सही बात की, करेंगे नहीं आप, बिल्कुल सही कहा है। किसान तक पहुँची रहो ना, अभी क्या नहीं पहुँच रहा है? ये पैसा मिल रहा होगा किसान, 2,000 रुपए मिल रहा है, पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है वो खुद बता रहे हैं। आपने आपके पास है जमीन? मामा लौंडा के पास हमारे को बता रहा। हाँ भैया बताइए। मैं गोड़िया वक्त का रहने वाला हूँ, खैर अड्डे पे इंदिरा नगर है, हमारी स्वागत की जगह है। मैंने कभी भी देखा, पूरे दिन बैठा हूँ, भीख मांगी है, सुबह से अब खाना आया हूँ। अच्छा ये बताओ, अगला पीएम किसको देखना चाहते हो? हमारा वोट जाता कांग्रेस पे।
कांग्रेस में जाता है। आप 9 साल के कार्यकाल से पीएम मोदी से खुश नहीं है? हमारा क्यों, हमारा वाल्मीकि में कांग्रेस पे जाता है। अरे आप खुश क्यों नहीं, आपसे पूछ रहे हैं? क्यों, मेरे फादर भी नौकर है ना, चक्कर दे मम्मी भी, उन्होंने वो कर दिया कि भैया इन्हीं को देंगे। चलिए कोई बात नहीं, क्या नाम है आपका? जगदीश। किसको अगला पीएम बनाना चाहते हो? मोदी को। मोदी जी को क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि वो बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम अच्छा लगता है आपको? नहीं, उनका सब काम अच्छा लग रहा है। क्या काम? पुलिस वाले। क्या काम अच्छा लगता है? ये सड़क पड़क बननी है, जो नल पल गड़ रहा है। मैं भाई लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, सारे लोग साइड में आ जाओ, जाम मत लगाओ, सबसे एक एक करके बारी बारी पूछेंगे। अच्छा ये बताओ, 9 साल का कार्यकाल हो गया पीएम मोदी का, अगला पीएम किसको देखना चाहते हैं? तुम ही बन जाओ, तुम ही बन जाओ। हम बन जाएं? और क्या यार, आपके मुंह में घी शक्कर, यार आप जैसे लोग तो हमें मिल जाए, तो हम पीएम ही बन जाएंगे। अगला पीएम किसको देखना चाहते हो? अगला पीएम राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्यों देखना चाहते हो? सही काम, सही बात कर रहे हैं। अरे क्या, मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? हां मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? मोदी जी कहाँ कर रहे हैं अच्छा काम? ग्यारह सौ सिलेंडर कर दिया का नाम कर दिया, फ्री सिलेंडर दे रहे, तो खारापत वसूल कर लेंगे मोदी जी का ना, खारापत वसूल कर लेंगे। परिवर्तन तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए ना भैया, इसमें दानी पानी से इनके सिराज वाली जो इसमें बेचते हैं इन्हें चीज करवाया हो। हाँ मोदी क्या बेचते? इसमें एक ड्रेस बेचते कोकिन, इसमें लगा के आयो क्या? इसमें हाँ मोदी मोदी भैया ने बुलवाई है इसमें दानिश नाम सराज बंटी और बंटी झटका भटका जिस इसमें बेचते हैं खुलेआम सड़क पे, कोई इनकी कार्रवाई करने कर रहे हैं, पुलिस वाले भी अड्डे पे बेचते हैं, घंटा घर पे बेचते हैं। ये था, आप क्या पी के आए हो? ड्रिंक करके आए हो, स्मैक लगा के आए हो क्या? स्मैक पीते हैं साहब, स्मैक पीते हैं और बेचते सड़क पे। अच्छा चलो बता दो, स्मैक पीने की कोई बात नहीं, बता दो पीएम अगला किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी को देंगे। भैया पीने वाले भी अब तो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं और ना पीने वाले भी। अगला पीएम किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी को। क्यों देखना चाह रहे हैं? देखना चाह रहे हैं रोड वोट सब बनने, मगर चेकिंग बहुत हो रही है। क्या हो रही है? चेकिंग। चेकिंग बहुत? हाँ ऑटो चलाता हूँ मैं। चेकिंग होनी नहीं चाहिए? कहीं होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? 5-5, 6-6 हजार रुपए के चालान है, कांधे भरेंगे। तो चालान क्यों आए कटवा रहे हो? रूल्स रेगुलेशन का पालन करो। रूल का ही पालन करते हैं हम, तब भी कट जाते हैं। हाँ पीएम किसको देखना चाह रहे हो अगला? मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। अच्छा ये बताओ पीएम कौन है हमारे देश का? पीएम कौन है समय हमारे देश का? मुझे नहीं पता। अच्छा रहते कहाँ हो? भारत में, पाकिस्तान में? नहीं अलीगढ़ में। अलीगढ़ में नहीं, भारत में, पाकिस्तान में? भारत में। चलो ये तो पता भैया को। तो 9 साल के कार्यकाल से खुश हो मोदी जी के? हाँ बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। ये गलत काम कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड बना रहे, हमारे योग नहीं है, हम पुलिस वाले हमें दंड लेंगे। बाबा बहन के डंडो है, ये कौन सा तरीका, 1.5 लाख की 2 लाख का माल लगा रहे हैं। क्या बाबा यहाँ पे बाबा जो काहे को टैक्स दे रहे हैं भाई? आईडीओ को लग दे रहे हैं, नगम निगम को लग दे रहे हैं, किसके रुपए में? अच्छा यहाँ भी किसी को पैसा देते हो क्या? गए पास हो गए निगम वाले पास करेंगे ना, वो 17 लाख का ढूंसा लगा देते हैं, और फिर 2-2 लाख की 2.5-2.5 लाख की गाड़ी निकालने, फिर भी कोई फायदा नहीं। सवारी दे रही 10 रुपए, 2.5 लाख की गाड़ी निकालने फिर भी 10 रुपए, और फिर भी फटकारे मिल रही है भगो। 2600 रुपए इसमें नहीं कटते हैं, और कार निकाल लो वाले 2600 रुपए। 2600 रुपए जो जिस वक्त गाड़ी कंपनी से निकल के आती है उस टाइम इसका रोड टैक्स वगैरह सब बढ़िया। बहुत परेशान है मोदी जी को, एक स्टैंड कटपुले पे कटरी वालों के लिए एक आवश्यक तौर पे लगाना चाहिए, जिनसे उनकी कमाई का पैसा उन तक मिले, ना कि इधर उधर जाए, जो उनका हक है। तो इन नियमों को अगर नहीं किया जाएगा तो आगे कैसे सरकार बनेगी, ये सवाल है, ये हमारा प्रश्न है। बेरोजगार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अच्छा तो ये बताओ अगला पीएम किसको देखना चाहते हो? अगला पीएम या तो राहुल गांधी जी हो या केजरीवाल हो। अच्छा मोदी जी को नहीं देखना चाहते? मोदी जी से लोग बड़े परेशान हैं। आप कैसे खुश हो, परेशान हो? नहीं परेशान तो हैं,
ना धन है ना टाइम पे खाना आ रहा है। जो कहते हैं सबको फ्री अकाउंट खुलेगा, वो नियम आज तक नहीं लागू हुआ। मोदी जी खुद इस पर जाके विचार करें, उनको एक अवसर नए लोगों को देना चाहिए। कुछ नए लोगों में किसको पीएम के रूम में देखना चाह रहे हो? जिस चीज को वो पप्पू कहते हैं एक बार उसे मौका दे दें, वो भी काम करके दिखाएं। ये बता पप्पू क्यों कहते हैं राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी जी असल में हर चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें पप्पू कहते हैं। सहनशीलता बहुत है। अब भैया का कहना है राहुल गांधी हर चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए उन्हें सहनशीलता बहुत है। अच्छा, इसीलिए लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या क्या किया है मोदी जी ने? अरे कुछ भी नहीं करा इसने, संसार के हित में काम सब कर रहे हैं। संसार के लिए बहुत बढ़िया काम करा, हित के लिए। चलिए चाचा कहना है मोदी जी को देखना चाह रहे हैं, और आ जाओ हमारे साथ में। चलिए चाचा चाय पी, चाचा से बोलो। चाचा किसको पीएम देखना चाह रहे हैं? पीएम मोदी, अगला पीएम मोदी जी हैं। मोदी जी को बिल्कुल 9 साल में कार्यकाल से खुश हैं? बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद। क्या बात है। अच्छा अगला पीएम किसको देखना चाहते हैं, मोदी जी को या किसी और को? मोदी जी को। अच्छा क्यों देखना चाहते हैं? बस है, कुछ किया हुआ है उन्होंने, इसलिए देखना। क्या काम किया है? बहुत काम किया है। किसको अगला पीएम देखना चाहते हो? भाई पीएम मोदी जी को, मोदी जी देखना चाहते हैं। अच्छा क्या उनके 9 साल के कार्यकाल से खुश हो? हाँ बिल्कुल, मोदी जी आने वाले हैं, उनके अलावा कोई नहीं आएगा, पहले लिख के ले लो। चलिए चलिए और आ जाइए भैया। क्या किया है मोदी जी ने? मोदी ने कहा करा है, मोदी गरीब आदमी को सबको सड़क पर बुला दिया है। अच्छा कैसे कैसे भेज दिया? भेज दिया, वो रोटी तक कुछ तंग हो रहे हैं, रोटी तक कुछ तंग हो रहे हैं बेचारे गरीब आदमी, वो भी सड़क पर डोल रहा है। तो फ्री में राशन बंटवा रहे हैं मोदी, राशन कहाँ पे बंटवा रहा है? सरकार ने पैसे लिया, वो भी बैंक में जमा करा दिया, सब करा दिया लोगों को। गरीब आदमी क्या करे, करेंसी करा दी पूरी, करेंसी पूरी चेंज करा दी इन लोगों ने, फिर क्या होगा वो? तो अरे मोदी जी राशन फ्री में बांट रहे हैं, करेंसी की कहाँ से वहाँ बात आ जाती है? करेंसी की पूरी वापसी कर दी भाई इन्होंने लोगों ने। कौन सी करेंसी वापस कर दी? जो लोट कर दिया, लोट भी बंद करा दिया, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी 2000 का नोट ही तो बंद कराया, क्या हुआ फिर आ जाएगा नोट तो? हाँ अब ये तो भैया गरीब आदमी तो अपनी माँ चुरा के अपनी सड़क पर पड़ा है, सड़क पर खा रहा है, रोटी मांग रहा है, खा रहा है वो तो। जी चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रईस अहमद। अच्छा चाचा 2024 में पीएम किसको देखना चाहते हैं? अब पीएम कांग्रेस की तरफ से देखना चाहते हैं, कोई भी आए। ऐसा क्यों? इसलिए इन्होंने महंगाई पे कोई अंकुश नहीं लगाया, पब्लिक है परेशान, नोटबंदी से परेशान, अब 2000 के नोट से परेशान हो गई पब्लिक। किसी ने कैसे कैसे करके जोड़ा, कैसे कैसे करके किया, कैसे मतलब तो महंगाई से क्यों परेशान है? लोग तो ये कह रहे हैं कि हम पहले 500 कमाते थे, आज 5000 कमा रहे हैं, तो कहाँ महंगाई लगती है आप लोगों को? आज भी महंगाई है, गरीब पीने से महंगाई है। तो कैसे महंगाई है? अच्छा जिसके धंधा नहीं है वो महंगाई है बेचारा, फोटा पाला बेचारा मारा मारा डोल रहा है, या गरीब टेम्पू चला रहे, इनका आए दिन चेकिंग, क्या कमा रहा है वो? 24000 का, 20000 का, 12000 का चालान काट रहा, तो आदमी कहाँ से करेगा? हम ही दुकानदार है, हम कहाँ से करेंगे? आए दिन पुलिस परेशान करती है, इसे हटाओ, इसे भगाओ, इसे मत लगाओ, कहाँ जा गरीब। अच्छा और क्यों ऐसी क्या क्या वजह है जिससे कि आप पीएम मोदी को नहीं देखना चाहते? इन्होंने महंगाई पे अंकुश नहीं है, आज भी मजदूर को 400 रुपए मिलते हैं, अब उसको घर का मकान नहीं है, किराए का मकान है, करी नहीं पाएगा पूर्ति, अपने बच्चे को पढ़ाना भी है, हारी बीमारी है, 100 बातें हैं, हर आदमी अपनी परेशानी में परेशान है। ठेठ क्या भाव है? 120-130, चलो पैसे घट गए, आटे के भाव है तो महंगाई लग रही है चाचा। टीवी पे तो ये दिखाते रहते हैं न्यूज चैनल के माध्यम से, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, वहाँ तो कहीं महंगाई दिखती नहीं है, वो लोग तो कहते नहीं महंगाई बढ़ी है। इन्हें मुद्दा कुछ नहीं है, यही मुद्दा रहेगा इनके पास, बाकी कुछ नहीं है। अब ये खाली झूठ बोलते हैं, वादे पूरे किसी ने नहीं करे आज तक, ना योगी जी ने करे। 3 किलो गेहूँ दे दिए एक महीने में, 15 दिन में 3 किलो गेहूँ खाएगा आदमी साला, एक वक्त में कम से कम आधी किलो आटा खाएगा एक आदमी एक दिन में, तो क्या दिन चल गया वो आटा। अच्छा और क्या क्या समस्या है पीएम मोदी से, पीएम सरकार से, बीजेपी सरकार से? सब समस्या ही है आदमी का, मैं नहीं हिंदू हो या मुसलमान, चाहे छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो। सिलेंडर 410 रुपए का था कांग्रेस के टाइम में, आज कितने का सिलेंडर है? कहा महंगाई ही नहीं है, गरीब तो महंगाई बढ़ गया, तुम्हें फ्री सिलेंडर बांट दिए, फ्री सिलेंडर दे रहे हैं आप, अब 1171 रुपए होंगे जब लेगा वो, ना होंगे ना लेगा आगे चूल्हे पे। अच्छा तो अगला पीएम देखना किसको चाह रहे हैं? अब पीएम बने तो अच्छा बने,
अच्छा आपकी नजरों में अच्छा पीएम कौन है? अच्छा पीएम कौन है ममता बनर्जी है, राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी को तो लोग पप्पू बोलते हैं। मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी में उससे ज्यादा पढ़ा लिखा मानजट आदमी नहीं है। अच्छा तो ये बता राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहते हैं? उनकी नजर पप्पू है ना, वो यहाँ का बच्चा है तो पप्पू कहेंगे उसे, और क्या कहेंगे? बाबू तो कहेंगे नहीं। पप्पू है पप्पू, पप्पू कहते क्यों लोग? लोग नहीं कहते, ये बीजेपी वाले कहते हैं पप्पू। हकीकत ये है उसके मारे इनकी फट रही है, अभी ऐसा में है। अच्छा क्या फट रही है? गांड फट रही है। अब क्या है, चाह चाहता धमाका ही कर रहे हैं। जब आदमी डरता है ना तो पप्पू कहता है। अब ये दुनिया भर के क्राइम हो रहे हैं, अब क्राइम नहीं हो रहे क्या? कौन से क्राइम का मिला? लूट मार मर्डर क्या नहीं हो रहा? गरीब को नजर आदमी। अरे बीजेपी वाले तो कहते हैं कि गुंडा मुक्त यूपी होने जा रहा है। अरे हो तो क्या, कल परसों ना हुआ निकलूं मैं। एक गुंडे ने दूसरे गुंडे को मरवा दिया, हो गया मुक्त। खुद तो मार नहीं सकते, दूसरे से काम कराएंगे। गुंडा मुक्त नहीं हुआ है यूपी, वो कभी नहीं हो सकता। ये जब तक बेरोजगारी रहेगी नहीं होगा। बी एम ए पढ़ के बेचारे ठोकरे खा रहे, नौकरी नहीं है। कौन है, क्या है ये बताओ? है नौकरी किसी को? बुझा देने के तो खत्म करे जा रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड लाओ, लग गया वोट। रेलवे में कितना आदमी नौकरी कर सकता, क्या है? कहीं कोई जगह नहीं है कहीं भी। तो सरकारी नौकरियां निकाल दो। मोदी जी ने 2 करोड़ के वादे किए थे और कहते हैं हमारे तो पूरे होने जा रहे हैं। अरे हो गए, आपने किसी को एक्सीडेंट हुआ था अभी, आपने देखा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी ने कहा हाँ मुझे नौकरी मिली? नहीं कहा हुआ, बताइए आप सच्चाई। अच्छा आप ही बता पाएंगे, हम तो हम क्या बताएं। अरे आप दुनिया में घूमते हैं हर जगह, आप आंकड़े लगा रहे हैं इसी बात के। आपको किसी ने कहा मुझे नौकरी मिली? ना मैं आज केस लड़ रहा हूँ, 28 साल से रेल से केस लड़ रहा हूँ नौकरी का। मुझे नौकरी थी जब मुकदमा 2-3 बार जीत गया मैं, अब हाईकोर्ट में चल रहा मेरा। आप रेलवे में थे पहले? जी हाँ। चलिए तो चाचा नाम क्या बताया आपने? रईस अहमद। अच्छा तो यहाँ कटपुतली पे रईस अहमद जी हमारे साथ जुड़े थे, हमने उनसे भी मुद्दे पे बात की, पूछा कि अगला पीएम 2024 में आखिर किसको चाहते हैं। उन्होंने भी अपनी बात को रखा और आगे भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ, फिर से HBN न्यूज से जय चौधरी, कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।